न्यूमेरिकल नंबर वन में वो हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ए है 1, 2, 3, 4 मीटर, बी है 0.00002 सेकेंड, सी है 4969.3 × 10^5, और डी है 0.00898 × 10^7। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है। पहला है हमारा कि 1, 2, 3, 4 मीटर को हमने चेंज करना है, तो आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट हमने पॉइंट को उधर चलाया है, तो 10^3 आपकी 3 आ गई। आगे बच्चों जो हमारा बी पार्ट है उसमें बी में 0.00002 सेकेंड है, तो हमने 5 पॉइंट आगे चलाए 2 की तरफ, तो 10^5 हमारी आ गई है -5। सी है हमारा 4, 6, 9.3 × 10^5 मीटर, हमने 2 पॉइंट को 4 की तरफ चलाया, तो 10^2 का इजाफा हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.693 × 10^7, 0.0985 × 10^7 सेकेंड। तो 3 पॉइंट हमने आगे की तरफ चलाए हैं, तो 9.85 × 10^4 सेकेंड हमारे पास आ गया है। न्यूमेरिकल नंबर टू में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो पहला है हमारे पास 27.5 × 10^-10, तो हमने 1 पॉइंट राइट साइड पे चलाया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.75 × 10^-10। पहली तरफ +1 हमने उसके अंदर कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2.75 × 10^-9। आपको पता है 10^-9 जो है वो नैनोमीटर के इक्वल, तो उसकी जगह हमने 10^-9 की जगह हमने एन लगा दिए। आगे है बी पार्ट, उसका 0.00023 × 10^-2, तो आप देख रहे हैं हमने 4 पॉइंट आगे की तरफ चलाए राइट साइड पे, तो -4 का इजाफा हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 2.3 × 10^-6। तो आपको पता है 10^-6 इक्वल है माइक्रो के, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.3 μm। न्यूमेरिकल नंबर थ्री में एक बॉय है जिसकी एज 15 ईयर 2 मंथ एंड 10 डेज है, इसको कन्वर्ट हमने करना है सेकेंड, मिली सेकेंड और मेगा सेकेंड में। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहले बच्चों हमने 15 ईयर को चेंज किया, 15 × 12 मंथ है, और 1 मंथ में 13 डेज हैं, तो एक दिन में 24 आवर्स आती हैं और एक हमें 16 मिनट आते हैं, और 16 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, तो हमारे पास पहला आ गया 4665600 सेकंड। आगे 2 मंथ को हमने चेंज किया, 2 × 30 × 24 × 60 × 60, इसका आंसर हमारे पास आ गया 5184000 सेकंड। आगे बच्चों हमारे पास 10 डेज है, इसको चेंज किया 10 × 24 × 60 × 60, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 8640000। इन तीनों को हमने प्लस किया है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 7472608000 सेकेंड। तो हमने इसे प्रीफिक्सेस में चेंज किया, तो प्रीफिक्सेस में हमारे पास जो इसका आंसर आ गया 4.672608×10^8 सेकेंड। आगे हम इसको चेंज करते हैं मिली सेकेंड में और नैनो सेकेंड में। आगे हमने इसको मिली सेकेंड में चेंज किया 4.712608×10^11 ये आ गया, क्योंकि 10^+3 हमने इसमें ऐड कर दिया। आगे इसको हमने मेगा सेकेंड में चेंज करना था, तो मेगा सेकेंड में हमने 10^6 × 10^-6 को, और जो 10^6 है वो तो उधर मेगा में आ गया, और 10^-6 जो है वो 6 पॉइंट हमने ने चला दिए पीछे, और वो आंसर हमारे पास आ गया 4.72608000 मेगा सेकेंड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। और न्यूमेरिकल नंबर 4 उसने हमें दिया है 25 μm, इसमें हमने किलोमीटर फाइंड आउट करनी है। तो किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो 25 μm आ रहा है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
माइक्रो आपको पता है 10^-6 की इक्वल होता है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10^-3 और 10^3 मीटर। मिलीमीटर भी हमने काट दिया मल्टीप्लाई, और किलोमीटर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो मिलीमीटर है वो 10^-6 और -3 आपस में प्लस हो के -9 आ जाएगा, और जो 10^3 है उसकी जगह हमने लिख दिया इसमें किलोमीटर। अमेरिकल में वो हमसे मांग रहे हैं व्हाट इज़ द पिच ऑन लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर विद द स्मॉलेस्ट ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन इसमें 20 डिवीजन है, और बी में स्क्रू गेज स्मॉलेस्ट ऑन द 0.5 मिलीमीटर एंड मूवेबल स्केल इसमें 15 डिवीजन आ रही है। तो वो हमसे इसका लीस्ट काउंट मांग रहा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल इज कॉल्ड पिच, और पहली की जो पिच है वो 1 मिलीमीटर वो दे रहा है हमें। तो लीस्ट काउंट इसमें 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20, तो लीस्ट काउंट पहला हमारे पास आ गया 0.05 सेंटीमीटर। आगे बच्चों जो दूसरा वो हमें दे रहा है उसमें डिवीजन 50 है, तो 0.5 मिलीमीटर है, और 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। नुमेरिकल नंबर 6, जिसमें लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर व्हाट इज़ द मेन स्केल ऑफ द रीडिंग व्हाट इज़ कंक्लूडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल। इसमें जो हमारे पास पहली चीज़ आई है मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर आई है, बी वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 8 आई है। टोटल रीडिंग हमारे पास जो फार्मूला है इसका टोटल रीडिंग एम रीडिंग प्लस वर्नियर स्लाइडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। अब इसमें बच्चों हमारे पास मेंस के रीडिंग जो आई है वो 2.5 आई है, वर्नियर्स के रीडिंग आई है वो 8 आई है, और 0.01 ये लीस्ट काउंट हमारे पास इसका आया है। 8 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 0.01 के साथ और प्लस 2.5 कर देंगे, इसका आंसर हमारे पास 2.58 सेंटीमीटर टोटल रीडिंग आ जाएगी।